हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूके के प्रेसिडेंट जो रिज़ाइन आज के दिन करने वाले थे, बोरिस जॉनसन। आखिर बोरिस जॉनसन है कौन? 2019 में बोरिस जॉनसन ने बहुत बड़ी विजय मतों से अपनी पोस्ट को हासिल किया। 2019 में इन्होंने पीएम के उम्मीदवार घोषित किए गए। जैसे कि भारत में 5 साल के लिए कार्यकाल होता है जो प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी तरह यूके यूनाइटेड किंगडम में भी 5 साल का कार्यकाल होता है। भारत के जैसा ही रोल है। जैसे कि भारत में लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं और अपर हाउस को राज्यसभा, उसी तरह यूनाइटेड किंगडम में लोअर हाउस को कॉमन हाउस कहते हैं और अपर हाउस को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये यूनाइटेड किंगडम की बात रही। 2019 में इन्होंने पीएम बना, बोरिस जॉनसन ने। डिप्टी सीएम का भी कहना है कि उनके पार्टी के ही, जैसे कि वहाँ पे दो पार्टी हैं, एक कंजीक्यूटिव पार्टी होती है जो कि उस कंजीक्यूटिव पार्टी से ही इन्होंने पीएम बने, और दूसरी पार्टी होती लेबर पार्टी। तो दोनों पार्टी से कई लोग का कहना है कि ये अच्छे से पार्टी नहीं चला पा रहे हैं और इन पे ब्लेम सारे मिलके लगाएं कि ये करप्शन के पार्टी अच्छे से नहीं चलाने के, तो अपना स्टेट ये कैसे चलाएंगे, अपना कंट्री कैसे संभालेंगे। तो एक साथ 8 कंजीक्यूटिव मेंबर के लॉ मेकर के रिज़ाइन कर दिया, 2 सेक्रेटरी ने रिज़ाइन कर दिया, जिसके वजह से बोरिस जॉनसन रिज़ाइन आज करने वाले थे। भारतीय मूल के ऋषि पीएम बनने जा रहे हैं, उम्मीदवार घोषित किया गया है। भारत के पहले होंगे जो यूके में प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। रिज़ाइन करने के बाद वहाँ के कंजीक्यूटिव यूके के जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था, हमें सब कुछ पता था कि वो एक ना एक दिन रिज़ाइन करने वाले हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।